चौबे इलेक्ट्रिकल्स, मेन रोड, भवनाथपुर। हमारे यहाँ लूबी और किलोस्कर कंपनी के समर्सिबल और मोटर उपलब्ध हैं। बिजली की खपत करे कम और पानी दे ज्यादा। अधिकृत विक्रेता चौबे इलेक्ट्रिकल्स, मेन रोड, भवनाथपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में भवनाथपुर केतार एवं खरौंधी प्रखंड के लिए कोरोना काल के बावजूद तय मानक से अत्यधिक ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने पर जेएनवी गढ़वा प्राचार्य चंद्रबली ने बीईओ राकेश कुमार को शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में बोलते हुए जेएनवी गढ़वा प्राचार्य चंद्रबली ने बताया कि ग्रामीण इलाकों के टैलेंट को सही राह देकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए बेहतर कार्य ही जवाहर नवोदय विद्यालय का मुख्य लक्ष्य है, जो कि शिक्षा से ही संभव है, जिसके लिए बच्चों के सर्वांगीण विकास आवश्यक है। आप सबों के सहयोग से ही ये संभव है। उल्लेखनीय है कि बीईओ राकेश कुमार को भवनाथपुर से 234, केतार से 94 एवं खरौंदी से 132 फॉर्म भरने का लक्ष्य दिया गया था, किंतु समय पूर्व ही भवनाथपुर बीईओ की टीम ने भवनाथपुर से 76, केतार से 58 एवं खरौंदी से 57 फीसदी अधिक लक्ष्य हासिल कर क्रमशः 306, 161 एवं 221 फॉर्म सबमिट कराया गया। बीईओ के उत्कृष्ट कार्य से प्रभावित जेएनवी टीम खुद बीआरसी पहुंच उन्हें सम्मानित किया। सम्मान समारोह से आह्लादित बीईओ राकेश कुमार ने उत्कृष्ट कार्य का श्रेय तीनों प्रखंड के पूरी टीम को देते हुए कहा कि सहयोग भावना से ही किसी भी लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। इस मौके पर जेएनवी के कमलेश कुमार, आरपी उपाध्याय, बसंत प्रसाद एवं महेश सिंह के साथ केजीवीवी लेखपाल, विनय गुप्ता, शिक्षक उमेश यादव, मनोज गुप्ता, राजेश यादव, प्रखंड शिक्षा कर्मी राम विजय गुप्ता, पंकज कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। एजुकेशन जब सुधरेगा तब जाकर के लोगों के अंदर स्किल डेवलप होगा और उस स्किल के जरिए हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और देश को, अपने देश को, अपने समाज को विकास के सबसे ऊंचे पायदान पर लेके जा सकते हैं। नवोदय विद्यालय समिति ने हर साल जेएनवीएसटी का सिलेक्शन टेस्ट कराती रही है। पिछले साल भी जेएनवीएसटी का सिलेक्शन टेस्ट हुआ, उसमें जो है हमारे यहाँ क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, उसकी वजह से केवल 40 बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया। इस बार हम लोग 80 बच्चे सिलेक्शन लिस्ट के लिए मांग किए हैं और आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी वह कमी पूरी होने जा रही है। 98 बेड की ज्योमेट्री का जो है बनना प्रारंभ हो गया है, उसका नींव वगैरह भरा जा रहा है, प्लिंथ उसका बनाया जा रहा है, तो ये कार्य प्रारंभ हो गया है। हमारी बातचीत उनसे होती है, उन्होंने बताया है कि वो 6-7 मंथ में